दीवान जी हमारी भाभी की, हमारी भाभी 8 मई 2018 को घर से गायब हो गई। उसकी गुमशुदगी हमने मरका थाने में दर्ज कराई और इसके बाद गुमशुदगी दर्ज होने के बाद हम लोगों ने पंपलेट है, न्यूज़पेपर पे, हर जगह डाल दिया कि कहीं तो मिले। फिर क्या होता है कि 20 मई को लाश मिलती है, एक लाश मिलती है। कहाँ पर? नारायणपुर कमाशिन में वहाँ लाश मिलती है। तो भाभी के पापा ही बोलते हैं कि हमारी लड़की है, तो ठीक है। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो वो हम नहीं लेते, क्योंकि हम भी शिनाख्त कर सकते हैं। फेस जला हुआ होता है लेकिन बाकी बॉडी सही रहती है, तो उस पर हमने कह दिया कि वो हमारी नहीं है। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, वो फटाफट ले गए और जाके पोस्टमार्टम कराया और हो गया, उसका काम हो गया बॉडी का। अब यहाँ से फिर 22 तारीख को पापा को यहाँ अरेस्ट कर लिया गया अमरका में। यहाँ 15 दिन रखे रहे, पूछताछ कर रहे थे, हम भी सोचते थे चलो पूछताछ कर रहे हैं, फिर भी चलो ये हो गया। इसके बाद में फिर छोड़े उन्होंने, फिर बाद में भाभी के पापा लोग FIR दर्ज कर दिए हमारे पूरे घर को, मेरे को छोड़ के और छोटे वाले भाई को छोड़ के, सबके सब नॉमिनेट हो गए घर पर। मैं यहाँ से गई थी 8 मई को गई थी यहाँ से। किस लिए गई थी यहाँ से? मैं मेरे पति से मतलब आपस का झगड़ा हुआ, उसने मेरे एक दो थप्पड़ मार दिया, मैं गुस्से से निकल गई। निकलने के बाद मैं यहाँ से बांदा पहुँची। बांदा में मुझे एक लड़की मिली, उस लड़की के साथ मैं दिल्ली गई और दिल्ली में मैं भी जाके बीमार हो गई। उसने मेरा सपोर्ट किया, दवा भी कराया, फिर भी मेरा ठीक नहीं हुआ। वो मुझे झारखंड लेके गई अपने गांव, उसके गांव गई, एक महीना रुके उसके गांव में, उसने मेरा इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हो गई, वो मुझे दिल्ली लेके वापस फिर से आई। अपने पति को फ़ोन किया, अपनी कहानी अपने पति को बताई, फिर कहानी अपने पति की मैंने पूछा, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने बताया। उनके बताने के बाद फिर मैंने कहा मुझे मेरी नंद से बात करवाओ, मेरे पति ने अपनी बहन से बात करवाया, बहन से बात करने के लिए मैं अपनी बहन को भी अपनी सारी कहानी बताई और उन्होंने भी बताया कि भाभी हमारे साथ ऐसा ऐसा आपके पापा ने कर दिया। लेकिन मैं अपने पति के साथ और अपने पति की फैमिली के साथ मैं रहूँगी नहीं, रहूँगी बाहर, लेकिन इनके फैमिली में नहीं रहूँगी, लेकिन इनका सपोर्ट करूँगी पूरी तरह से। एक दिनांक 21 मई इसी वर्ष को एक अज्ञात महिला की मेरी तलाश मिली थी, जिसका चेहरा काफ़ी रिफ्लेक्ट कर दिया गया था, रिफ्लेक्ट कर दिया गया था, उसके कारण उसकी पहचान ऐसे नहीं हो पा रही थी। इसी संदर्भ में उनके घर वालों ने, जो कलिंजर की रहने वाली महिला थी और मरका में उनका ससुराल थी उनकी, 8 मई को एक इन्हीं महिला की गुमशुदगी थी, जिसके फादर ने ये क्लेम किया कि ये मेरी ही पुत्री का है और दहेज के कारण इसकी हत्या की गई है और उस पर उनके ससुरारी जनों के खिलाफ उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट वहाँ दर्ज कराई थी, 304B 498A 3/4 दावे विवेचना CO सदर द्वारा की जा रही थी। लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया संदेह का पर्याप्त आधार था कि वो वही महिला है जो मृतक जिनके पिता कह रहे हैं कि मेरी पुत्री है, तो उसके DNA टेस्ट वगैरह के लिए गया हुआ है यहाँ से, उसकी रिपोर्ट आने तक बीच में ये सूचना मिली कि उक्त महिला, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि उनकी पुत्री है और मर गई है, वो दिल्ली में है और वो लाइव है, जिंदा है। तो इस पर यहाँ से पुलिस टीम तत्काल वहाँ भेजी गई और वहाँ बरामद हो गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि वो घर से किसी कारण से नाराज होकर चली गई थी और वहाँ किसी NGO में, वो जैसे जिनके यहाँ बेबी सिटिंग या इस तरह के कार्य होते हैं, तो वो NGO की तरफ से वो कर रही है।